मुकदमा चलते हैं उसी चीज को वापस लाया गया है ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो और किसी की फजूल के अंदर मीडिया ट्रायल ना हो। सर क्या कहेंगे आखिर सवाल, जिस अंदाज से आपने कहा कि नैब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, क्या सजेस्ट करेंगे सदर पाकिस्तान को कि वो जो पार्लियामेंट के फैसलों का इकराम करें या फिर वो भी एक सियासी पार्टी के तौर पर अपना किरदार अदा करें? मैं समझता हूँ सदर पाकिस्तान जो है वो किसी पार्टी के नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का फर्द नहीं है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो रियासत के सदर हैं। जब वो रियासत के सदर हैं तो तमाम जो 22 करोड़ अवाम के सदर हैं और उनको जो भी फैसला करना चाहिए अवाम के हकूक को सामने रखे, अवाम की परेशानियों को सामने रखे फैसला करना चाहिए। सेनेटर फारूक नाइक साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अपने मुलाहजा की टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हम लोग जिक्र कर रहे थे यहाँ पर पोस्ट कोविड के सिम्टम्स के हवाले से कि अब तक वो किस तरह से प्रवेल करें। दूसरा ये कि एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है लॉन्ग कोविड के हवाले से, इसके बारे में भी जरा हमारी व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए पोस्ट कोविड सिम्टम्स तो रहते हैं, कमज़ोरी रहती है, लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवरी में, इनकी सेहत कमज़ोर है उनको ज़्यादा टाइम लगता है, जवान लोग जल्दी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन लॉन्ग कोविड एक फ़र्क ऑलमोस्ट सिंड्रोम अब रिकग्नाइज़ किया जा रहा है और लॉन्ग कोविड में कई चीज़ें शामिल हैं जो सबसे बड़ा हिस्सा आता है और ये इनका अमेरिकन का आइडिया ये है